नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वरंडा रेस हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक सेशन जो कि बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन है, और ये सेशन हर दिन दोपहर 3 बजे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जहां पर हम बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित कुछ अलग अलग विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अलग अलग विषयों पर जो चर्चा करते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस में हम टॉपिक्स की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ बैंक से, या हम बात कर रहे हैं कि हमने अभी लास्ट डे मतलब कल की क्लास में हम लोगों ने एनपीए को पढ़ा था, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब आज का जो सेशन है वो उसी से कोरिलेटेड है, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि एनपीए को रिकवर कैसे किया जाए। एनपीए हम समझ गए थे, एनपीए के बारे में हमने जानकारी जुटाई थी कि एनपीए क्या होता है, उसके अंदर कैटेगरीज क्या 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 होती हैं, असेट्स कितने टाइप के होते हैं, फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, और प्रोविजनिंग क्या कहलाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए हमने जीएनपीए और एनएनपीए के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम समझ चुके थे। अब हम आज बात करने जा रहे हैं, बात इस बात पर आ गई कि अब कल की क्लास में हमने ये तो देख लिया था कि आखिर एनपीए होता क्या है। अब सर दिक्कत ये है कि एनपीए को तो समझ गए, बैंकों का लॉस भी हो रहा है, बैंकों के लिए घाटा भी है, बर्डन भी है, बोझ भी है, तो कहीं ना कहीं इस एनपीए को रिकवर करने के लिए, कम करने के लिए, एनपीए की रिकवरी के लिए बैंकों के पास ऐसे क्या क्या टूल्स हैं, क्या ऐसे मेजर्स हैं जिनके थ्रू बैंक्स यहाँ पर एनपीए को रिकवर कर सकता है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेथड्स टू रिकवर एनपीए, और एनपीए के रिकवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, आज हम उन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्र दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और आ जाइए लाइव ताकि हम सेशन को और अच्छा और बेहतरीन बना सकें। चलिए, तो यहाँ आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना हमारे लिए आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा डिस्कशन हमारा इस टॉपिक से संबंधित हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे सरफेसी, डीआरटी, डीआरएटी, आईबीसी, एनसीएलटी, एआरसी। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिन पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज अपन देखते हैं यहाँ पर कि मेथड्स टू रिकवर एनपीए में जब हम आते हैं तो सबसे पहले बैंकों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बैंकों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैड लोन्स, उनका जो बैड लोन है उसका आइडेंटिफिकेशन वो पहले कर लें। पब्लिश द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स, विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट को पहले जारी कर दें। लोक अदालत का गठन करें, लोक अदालत लगा दें। सरफेसी एक्ट को लागू करें, इम्प्लीमेंट कर दें। सरसाई का यहाँ पर क्या कर लें, इसको लागू करवा दें। एआरसी असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का गठन करें और उनके थ्रू रिकवरी की प्रोसेस को फास्ट कर लें। डीआरटी और डीआरएटी में केसेस को लेकर के चले जाएं। बैड बैंक्स जैसी संस्थाएं बना दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका भी, क्योंकि ये नया चीज है। आईबीसी इनसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को इंडिया में लागू कर दें, जो कि किया जा चुका है। तो ये ऐसे मेजर्स हैं जिसके थ्रू, ऐसी मेथड से जिसके थ्रू हम बैंकों के एनपीए को रिकवर करने की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और पहला पॉइंट क्या था, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैड लोन। ये क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं एक बैंक की, यदि मैं बात करूं कि एक बैंक है, क्या है, एक बैंक है, ये ग्राहक है, कस्टमर है बैंक का, इस बैंक को, इस ग्राहक को लोन देना है, तो लोन देने के पहले एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसे हम पर्सनल वेरिफिकेशन बोलते हैं। ये वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले बैंक कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट मांगता है, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगता है, दूसरा उसका आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार नंबर, और उससे मांगा जाता है पैन कार्ड, पैन नंबर। ये तीन बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कभी भी किसी भी चीज के केवाईसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर। अब फोटो मिल गई, आधार कार्ड पे एड्रेस मिल गया, साथ ही साथ आधार नंबर मिल गया, और पैन कार्ड से उसकी परमानेंट अकाउंट की डिटेल्स मिल गई, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में एजेंसीज होती हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर रेटिंग एजेंसीज होती हैं, और क्रेडिट स्कोर को इवेल्युएट करने वाली एजेंसीज होती हैं, जिसमें एक आती है सिबिल। ये सिबिल जो होता है ये एक स्कोर जनरेट करती है, सिबिल स्कोर निकाल करके देती है, और इससे हम कस्टमर के जो फाइनेंशियल बिहेवियर है उसके बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। यदि किसी कस्टमर ने पहले से कोई लोन ले रखा और उसका लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है, वो उस लोन के लिए डिफॉल्टर है, तो उसका नाम यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा इस सिबिल के पास में। तो बस
सिविल की बात करते हैं तो ये सारी डिटेल सिविल के साथ क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब एक होता है पर्सनल वेरिफिकेशन, इसमें इसमें जो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो व्यक्ति के जिसे लोन चाहिए है, जो ग्राहक है, उस ग्राहक के वर्कप्लेस पे जाएंगे और उसके रेसिडेंस एड्रेस पर कंफर्म करके आएंगे कि वो वहां रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी के वर्कप्लेस पे जाते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगभग लगभग उसके जितना जो बिहेवियर होता है उसके बारे में, उसके जो कुलीग्स होते हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, वो उसके बारे में हमें काफी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि हम सीधे जाकर के पूछ सकते हैं कि भैया हम इसको लोन देने वाले हैं, कि इस व्यक्ति का लेन देन कैसा है, सही है कि नहीं है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। यदि उसका लेन देन सही है तो ठीक है, और नहीं है तो बैंक इस चीज को रिपोर्ट करेगा और जाकर के डॉक्यूमेंट जो उसने पर्सनल वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसमें उस चीज को मेंशन कर देगा। दूसरा होता है ग्राहक के घर पर जाना। उसके घर पर जाकर के वो क्या करेंगे, उसके घर जाएंगे और आसपास के जो लोग होंगे उनसे उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। जिस व्यक्ति का बिहेवियर जैसा होता है वो हमेशा उसी तरीके से कार्य करता है, वो कभी उसकी आदतें बदलती नहीं है। मतलब पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी आपकी सारी जानकारी बता देंगे कि ये व्यक्ति लोन लेता है, बाहर से इसने मार्केट से पैसा उठा रखा है, लोन चुकाता नहीं है समय पर, तो इस तरीके की सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो लोन है वो बैड लोन बन जाएगा, तो बैंक पहले से ही इस चीज के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और उस व्यक्ति को लोन नहीं देगा। तो एनपीए से बचने का एक तरीका तो पहले यह हो गया कि एनपीए बन ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या करेंगे, जब एनपीए नहीं बन पाएगा तो रिकवरी की कोई चांस नहीं, तो सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें कि बैड लोन है या गुड लोन है। ठीक है, दूसरा सिक्योरिटी का इवैल्यूएशन करवा लें, जो बैंक के साथ में सिक्योरिटी रखी जा रही है उसका मार्केट रेट क्या है, ये याद रखना, इसका इवैल्यूएशन करवा लिया जाए और इसे भी वेरीफाई करवा लिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट पर आपके नाम पर प्रॉपर्टी बट एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं, मतलब आपके इन द सेंस कस्टमर के नाम पर नहीं है। ऐसे फ्रॉड भी बैंकों के साथ किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, पब्लिश द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब क्या होता है, देखिए डिफॉल्टर्स का मतलब होता है वह लोग जो बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं, वह लोग जो बैंक का या बैंकों का लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं डिफॉल्टर। और विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब वो लोग जो जान करके, मतलब देखो डिफॉल्टर अपन ऐसे बोल सकते हैं, किसान है, किसान ने बैंक से लोन लिया, किस चीज के लिए था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए। अब जब खेती करने के लिए उसने लोन लिया किन्हीं कारणवश, जो कि क्योंकि खेती पर हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बारिश ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, ठंड ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, गर्मी ज्यादा हो जाना, सूखा पड़ जाना, ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसके प्रोडक्शन पर क्या करते हैं, प्रभावित, उसके प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए किसान ने लोन लिया खेती करने के लिए, और किन्हीं कारण पर, सूखा पड़ने के कारण, ज्यादा बारिश होने के कारण, बाढ़ आने के कारण, पाला पड़ जाने के कारण, या किन्हीं अन्य कारणों से फसल खराब हो जाती है, उत्पादन नहीं हो पाता है, उस केस में जो किसान होगा वो लोन को रिकवर, लोन की जो भरपाई है चुकाने की बात करें तो उसकी रिकवरी, सॉरी उस लोन को रीपे नहीं कर पाएगा। जब वो लोन को रीपे नहीं कर पाएगा तो वो क्या बन जाएगा बैंक के लिए, वो बन जाएगा डिफॉल्टर। तो ये डिफॉल्टर बना है ड्यू टू जेन्युइन रीजन, उसका कारण क्या था, एक सही कारण के कारण वो डिफॉल्टर बन गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन बैंक का लोन चुकाना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिफॉल्टर्स को हम विलफुल डिफॉल्टर्स बना देते हैं। और इसकी जानकारी आपको आरबीआई की वेबसाइट और गवर्नमेंट के अलग अलग वेबसाइट पर मिल जाती है। जैसे कि देखिए ये जो सोर्स है ये आरटीआई से निकाला गया है कि आरटीआई से भारत के 10 बड़े जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट को यहाँ पर क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, सॉरी ना इसको विलफुल डिफॉल्टर्स, तो इसे क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। इसमें क्या कर सकते हैं, तो भारत के बड़े डिफॉल्टर्स हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, बैंक ब्रांच जो बैंक होते हैं वे अपनी ब्रांच के बाहर भी क्या करते हैं,
फोटो लगा करके विलफुल डिफॉल्टर्स का और टांग देते हैं बाहर फ्लैक्स लगा करके। इससे क्या होता है, इससे आदमी को इज्जत का डर होता है, बेइज्जती इंसल्ट होने का डर होता है समाज में, क्योंकि उसको जीना है और जहां उसका नाम ऐसे दिखाई देगा तो उसको लगेगा नहीं यार मुझे लोन रीपे कर देना चाहिए, तो वो जल्दी से जल्दी लोन की भरपाई करने लग जाता है। दूसरा, इसके अलावा यदि किसी भी बैंक ने कोई फ्रॉड फेस किया है तो वह तुरंत आरबीआई के पास रजिस्टर करवा दे उसे। किस तरीके का फ्रॉड, देखिए लोन लेने की बात हो रही है, हम लोन के फ्रॉड की बात कर रहे हैं। कैसा फ्रॉड हो सकता है लोन लेने, लोन लेने में फ्रॉड ऐसे हो सकता है कि जब भी कभी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से जब लोन लिया जाता है तो ग्राहक को बैंक को कोई ना कोई सिक्योरिटी देनी होती है। अब सिक्योरिटी मूवेबल एसेट्स हो सकते हैं, मूवेबल कुछ भी हो सकता है। मूवेबल एसेट्स में आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो आप अपना गोल्ड रख देते हैं वहां और बैंक से लोन ले लेते हैं। अगर अपन बात करें इमूवेबल एसेट की, आपने बिल्डिंग खरीदी है या मकान बना लिया है तो उसके अगेंस्ट आपने लोन लिया तो उसके डॉक्यूमेंट बैंक के पास हम रख देते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम प्लॉट्स की बात करते हैं या एग्रीकल्चर लैंड्स की बात करते हैं, बैंक से लोन लेते समय हम डॉक्यूमेंट दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी, मतलब वो नकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें छेड़खानी करके नकली डॉक्यूमेंट बना दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर बैंक से लोन निकाल लिया जाता है। अब आप सोचिए अगर ऐसा कोई फ्रॉड एक बैंक के साथ हुआ है और बैंक को बाद में पता चला कि जब जिस व्यक्ति ने लोन लिया था अब वो लोन को रीपे नहीं कर रहा है, और बैंक जब कोर्ट में पहुंचा तो पता चला कि जो डॉक्यूमेंट थे वो तो नकली थे, जो सिक्योरिटी जिसका पोजीशन बैंक को लेना था, जिस सिक्योरिटी को बेच करके नीलाम करके बैंक को पैसा मिलता वो तो नकली थी, अब उस केस में क्या किया जाए, नुकसान किसको होगा, बैंक को होगा, ग्राहक तो भाग गया। तो इसीलिए बोला जाता है यदि किसी बैंक ने किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड अगर फेस किया है, उसके साथ हुआ है, तो उस फ्रॉड को तुरंत आरबीआई के साथ क्या कर दे, जल्दी से जल्दी उसे रिपोर्ट कर दे ताकि आरबीआई उससे संबंधित एक गाइडलाइन निकाल करके सभी बैंकों को सचेत कर दे कि इस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि जब भी कभी आपके पास में कोई भी सिक्योरिटी के लिए डॉक्यूमेंट आएंगे उनको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के एक बार आपको उसको वेरीफाई कराना ही होगा। तो ये जब फ्रॉड हो गया एक आध बैंक के साथ तो बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए फिर आरबीआई नई गाइडलाइंस और उसको लेकर के नए नॉर्म्स लेकर के आता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा होता है लोक अदालत। अब ये लोक अदालत क्या होता है, देखिए लोक अदालत जो होता है ये छोटे लोन से बने एनपीए के लिए होता है ना, छोटे लोन के एनपीए की रिकवरी के लिए होता है। कैसे, देखो क्या होता है, जो बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, समय समय पर लोक अदालतों का आयोजन करते हैं। लोक अदालत का आयोजन करना मतलब किस तरीके से, कैसे लोक अदालत, तो क्या होता है हर वर्ष फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च वो टाइम होता है जब बैंक अपनी क्लोजिंग कर रहा होता है, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा होता है और इस टाइम पर वो अपना एनपीए को कैलकुलेट कर रहा है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो छोटे मोटे लोन है उनकी रिकवरी करवा लें, तो क्या होगा अपना एनपीए थोड़ा सा कम दिखने लगेगा, तो अपने अकाउंट्स जो अकाउंट्स बुक है उसमें थोड़ी सी फेयरनेस दिखने लग जाएगी, उसमें लगेगा कि हाँ हमारी अकाउंट बुक जो है वो अच्छी है। उस समय बैंक क्या करता है, एक शिविर लगा लेते हैं ना, शिविर मतलब कैंप टाइप का कैंप लगा लेता, उस कैंप में लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है जो डिफॉल्टर्स होते हैं, और उन डिफॉल्टर्स को बुला करके वहाँ उनसे बातचीत की जाती है और लोन के सेटलमेंट्स कर लिए जाते हैं। सेटलमेंट्स कैसे, देखिए यहाँ दो तरीके के लोग आएंगे, पहले वो व्यक्ति आएंगे जो सच में लोन नहीं चुका पाते हैं या वो लोन चुकाने में इतने मतलब समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं, क्योंकि उनके पास में किसी भी तरीके का पैसा नहीं है लोन देने के लिए, लोन की रीपेमेंट के लिए। तो उस केस में बैंक उनसे कहता है भैया एक काम करो, आप तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, इंटरेस्ट हम आपका माफ कर देते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट आपको देना होता है, तो वो कहेगा भैया मैं प्रिंसिपल अमाउंट तो दे ही नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास आई नहीं। तो वो कहते हैं अच्छा इसको भी आप इंस्टॉलमेंट्स में दे दीजिए, इंस्टॉलमेंट में हम आपसे ये ले लेते हैं, अगर मान गया तो दे देता है। तो देखिए अभी तक तो जो लोन की रिपेमेंट नहीं हो रही थी अब कुछ हद तक हो गई। दूसरा कुछ केस में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो
दो तीन चार ईएमआई क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, उसके बाद घबरा जाते हैं कि इतना सारा पैसा एकदम से कैसे देंगे, क्या होगा, तो फिर वो बाकी की ईएमआई को भी पेंडिंग कर देते हैं, उनका लोन ओवरड्यू होता चला जाता है। उस केस में भी यहाँ लोक अदालत में उन लोगों से बात की जाती है और उनकी जो इनिशियल ईएमआई छूट गई है उससे कहते हैं कि ठीक है इनको एक काम करो, आप इन ईएमआई को मत दो और जो आज की इस महीने की ईएमआई है यहाँ से स्टार्ट करो। बाकी ईएमआई जो होंगी, जैसे आपकी 12 ईएमआई थी तो 12वें महीने इसके बाद खत्म हो रही है, तो जो 4 ईएमआई आपकी अभी मिस हो गई ना, उनको आप क्या करना, इसके बाद पे करना, तो आपका जो टेन्योर है वो 3-4 महीने और एक्सटेंड कर देना। इस तरीके से सेटलमेंट करके एनपीए की रिकवरी लोक अदालतों के थ्रू की जाती है। चलिए, और यहाँ पर एक जज को बैठा दिया जाता है, तो ये याद रखना है जज बैठता है इसीलिए जो डिसीजन लिया गया है उसको आपको, मतलब कस्टमर को और बैंकों को दोनों को ही मानना होता है। अब आते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट वर्ष 2002 में पास किया गया था। क्या है ये, देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ऊपर हॉस्टल है, यहां पर कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, यहां पर शॉप्स हैं, ठीक है, छोटी बड़ी शॉप्स हैं। इस बिल्डिंग के ऑनर ने बैंक से लोन लिया, बिल्डिंग के ऑनर ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, अब ये ईएमआई चुका नहीं रहा है। अब ईएमआई नहीं चुका रहा है तो जो बैंक के एम्प्लॉयज होंगे, बैंक के लोग होंगे, जो रिकवरी डिपार्टमेंट होगा, वो पहुंचेगा कोर्ट और कोर्ट जाकर के वहां से परमिशन लेगा कि इस बिल्डिंग को हम सीज करना चाहते हैं, हम इसे नीलाम करेंगे क्योंकि ये व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा है। कोर्ट का आदेश इस व्यक्ति तक पहुंचता है उसके पहले ही ये व्यक्ति अपर कोर्ट में जाकर के स्टे ले आता है। अपर कोर्ट से क्या ले आता है, स्टे ले आता है। अपर कोर्ट से स्टे आ गया, उसने बोला वहां जाकर के कि देखिए भाई साहब, जहां पर गया देखिए जज साहब, मेरा जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में एक हॉस्टल है, ये सारे बच्चे कहाँ जाएंगे एकदम से अगर बिल्डिंग बैंक इसको सीज करने लगेगा तो, कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसे हम एक दो दिन में कैसे यहाँ से वहां शिफ्ट कर देंगे, शॉप्स हैं जिन शॉप्स ऑनर का घर का खर्चा इन्हीं शॉप से चलता है वे कहाँ जाएंगे, उनकी आजीविका का क्या होगा। तो कोर्ट कहता है अच्छा ठीक है स्टे लगा दो। अब बैंक ने क्या किया था, बैंक को इससे मतलब नहीं कि आप उस बिल्डिंग का क्या यूज कर रहे हैं, बैंक को अपने लोन से मतलब था। अगर ऐसे देखा जाए, एज अ बिजनेस की बात की जाए, तो बैंक को क्या लेना देना कि आप हॉस्टल में कोचिंग हॉस्टल चला रहे हो, कोचिंग चला रहे हो, आपका क्या है बिल्डिंग है उसको, उससे कोई मतलब नहीं, लोन की रिकवरी होने से उसको मतलब था। बट हुआ ये कि स्टे लग गया, अब बैंक के एम्प्लॉयज कोर्ट जाने के लिए बैठे हुए हैं, बैंक के बिजनेस को बढ़ाने के लिए बैठे हैं, अब वो हर दिन कोर्ट पहुंच रहे हैं, 2-4 दिन में उनको तारीख पे तारीख मिल रही, परेशान हो जा रहे हैं, तो क्या किया जाए। उसके लिए फिर उन्होंने बोला आरबीआई से कि देखिए ऐसे काम नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट एक्ट, एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन लेकर के आना पड़ेगा। तब आरबीआई ने गवर्नमेंट से बात की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, उस एक्ट को नाम दिया सरफेसी एक्ट। सरफेसी क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। सिक्योरिटाइजेशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया फाइनेंशियल एसेट्स के, एन्फोर्समेंट मतलब उसको प्रभावी करना, ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में इसको पास कर दिया गया और ये बन गया सरफेसी एक्ट। अब क्या होगा, इट इज अ लेजिस्लेशन दैट अलाउज बैंक एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन रिकवर बैड लोन्स इफेक्टिवली। ये एक ऐसा लेजिस्लेशन, अगर अपन बात करें, कानूनी तरीका उपलब्ध करा देता है वित्तीय संस्थाओं को, चाहे वो बैंक हो या दूसरे कोई वित्तीय संस्थाएं, बैड लोन की रिकवरी के लिए। इसमें नरसिम्हन कमेटी एक और अंध्य रुजीना कमेटी दो, मतलब यहाँ पर दो कमेटी ने काम किया था, नरसिम्हन कमेटी और अंध्य रुजीना कमेटी ने। आगे चलते हैं इसमें होता क्या है। देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले केस में क्या हुआ था, केस वन में मैंने आपको बताया था कि बैंक गया कोर्ट, फिर कोर्ट से मिल गया उनको स्टे, किसे, बिल्डिंग के ऑनर को, तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग थी। अब क्या होगा, अब आ गया केस टू, केस टू में हमारे पास क्या है, हमारे पास है सरफेसी, हमारे पास क्या है, अब सरफेसी एक्ट है। और सरफेसी एक्ट की अगर अपन बात करें तो इस केस में क्या होता है, यदि बैंक के कस्टमर ने लोन की रिकवरी नहीं की और इस क्राइटेरिया में आता है, तो बैंक या कोई भी, बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था क्या करेगी, सीधे
उस व्यक्ति पे लगाएगी सरफेसी, उस पे लगेगा सरफेसी और उसके असेट्स को सीज कर लेगी, मतलब अब लग जाएगा सीधे ताला। ठीक है, इसके लिए, इस सरफेसी को लागू करने के लिए बैंकों को किसी भी तरह से किसी भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, बिना किसी कोर्ट इंटरवेंशन के आप यहाँ पर ये प्रोसेस को कर पाएंगे। और ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स के लिए होगा। बिफोर दिस एक्ट टुक इफेक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू टेक रिकोर्स टू सिविल सूट्स इन कोर्ट्स टू रिकवर देयर ड्यूज। मतलब जब ये नहीं था, जब सरफेसी नहीं था, तब बैंकों को कहाँ जाना पड़ता था? कोर्ट जाना पड़ता था परमिशन लेने के लिए। अब नहीं जाना पड़ता। बोरोअर अगर डिफॉल्ट है तो बैंक गेट स्वीपिंग पावर टू रिकवर इट्स ड्यूज फ्रॉम द बोरोअर। और जो उधार जिस व्यक्ति ने लिया है, उस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हो? सीधे सीधे रिकवरी की जा सकती है इस एक्ट को लगा करके। अगर अपन देखते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है, तो इस प्रोसेस को समझ लीजिए। पहले आप 60 दिन का उसको नोटिस पीरियड देंगे। कितने दिन का? 60 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मतलब उसको समझा दिया जाएगा, भैया लोन चुका दो। द लेंडर कैन टेक पोजेशन ऑफ द प्लेस असेट्स ऑफ द बोरोअर। पहले 60 दिन का आप नोटिस दिया कि भैया तुम्हारी जो बिल्डिंग का तुमने ईएमआई नहीं चुकाया, लोन लिया था, 60 दिन का समय देना है, चुका दो, सेटलमेंट शुरू कर लो। नहीं तो अगर 60 दिन तक ये पूरा नहीं हो पाता, तो 60 दिन के बाद उस बिल्डिंग को अपने पोजेशन में ले लेगा बैंक। ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द इंडिया। और ये पूरे भारत में चलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे हो गया कि भाई दिल्ली में चलेगा, मुंबई में चलेगा। नहीं, सरफेसी एक्ट है और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। भारत सरकार ने इसको बनाया, संसद में पारित किया गया था, तो ये पूरे इंडिया के लिए लागू होगा। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू एक्वायर एसेट्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यही जो सरफेसी एक्ट है, इस एक्ट में असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाने के नॉर्म्स भी दिए हुए हैं। इसके बारे में हम आगे चलेंगे, जब मैं आपको एआरसी पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बताता हूँ एआरसी का काम क्या होता है। चलिए, इसी टॉपिक में आगे एआरसी भी है। अब हम बात करते हैं सरफेसी। सरफेसी काम कैसे करता है? देखो, ये बोरोअर है, ठीक, ये सिक्योरिटी है। कि सिक्योरिटी किसके पास है? बैंक के पास है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया किसने? बैंक ने। किसको? बोरोअर का। बोरोअर ने यहाँ पर सिक्योरिटी दे दी, पेपर वेपर जो भी देना था दे दिया बैंक को, और बैंक ने फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ प्रोवाइड करा। अब क्या हुआ, ये जो सिक्योर्ड असेट्स हैं, ये ट्रांसफर कर दिए असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास में, और इससे बदले में पैसा ले लिया किसने? बैंक ने। तो यहाँ पर बैंक का जो पैसा फंसा हुआ था वो बैंक के पास आ गया। अब ये जो एआरसी हैं, ये एआरसी करते क्या हैं? एआरसी सिक्योरिटी रिसीप्ट्स बना करके क्वालिफाइड बायर्स को देती है। यही कॉन्सेप्ट अभी बैड बैंक में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट्स का मतलब होता है उतने अमाउंट की वो रिसिप्ट बना करके इनको दे देती है, बदले में इनसे कैश लेती है। मतलब हुआ क्या कि बोरोअर था, ग्राहक था बैंक का ये, इसने बैंक से लिया था लोन, ठीक, लोन लिया तो बदले में इसने सिक्योरिटी दी, कोई भी सिक्योरिटी दी होगी जो भी, किसके पास? बैंक के पास। अब ये व्यक्ति लोन नहीं चुका पाया, लोन नहीं चुका पाया तो इसकी जो सिक्योरिटी थी, इसकी जो सिक्योरिटी को, मैं यहाँ ऐसा लिख लेता हूँ, जो ये सिक्योरिटी थी, बैंक ने इस सिक्योरिटी को बेच दिया किसको? असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, बदले में उससे पैसा ले लिया। तो बैंक के, इस बैंक के जो लोन अमाउंट को ये व्यक्ति रिकवर नहीं कर पा रहा था, वो अमाउंट अब बैंक को कहाँ से? इस असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से मिल गया। अब असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पागल है कि बैंकों के जो असेट्स हैं उनको लेते जाएंगे और उन्हें पैसा देते जाएंगे? नहीं भाई, उन्हें भी फायदा होता है। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि ये सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी करके क्वालिफाइड बायर्स जो होते हैं उन सिक्योरिटीज को खरीदने वाले, उन्हें बेच करके उनसे पैसा ले लेता है। तो इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है, इसको भी फायदा है, और इस बोरोअर ने लोन नहीं चुकाया तो इसकी सिक्योरिटी चली गई, ठीक है। अगर ये लोन समय पर चुका देता तो इसको भी फायदा मिलता। आगे चलते हैं, कंडीशंस की बात करें। लोन अमाउंट 1 लाख से कम का होना चाहिए। लोन जहां पर, सॉरी, ये बिलो नहीं, अबव होगा, और अप टू 20 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लोन्स वेयर रिमेनिंग डेब्ट इज बिलो 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ भैया, ये याद रखना कि जैसे मान लीजिए
लोन अमाउंट 100% होगा तो मान लो 100 रुपीज हमने ले लिया, ठीक है। 20% जो होगा वो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, मतलब जब आपके पास में किसी भी लोन का 20% से कम अगर लोन अमाउंट बचा है तब कुछ नहीं हो पाएगा, कम से कम 20% होना चाहिए क्या प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर इंटरेस्ट, तभी हम यहाँ पर क्या लगा पाएंगे, सरफेसी एक्ट लगा पाएंगे। अब अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज की जब बात करते हैं तो इस पर ये नहीं लगेगा, सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते हम किस पर, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी पर। आगे चलते हैं, अब बात की जाती है सरसई की। सरसई क्या है भाई, ये CERSAI, देखिए सरसई की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड असेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। सरसई एक संस्था है, ये क्या करती है, ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन का के जो लेन देन होते हैं उन लेन देन को परफॉर्म करने का काम इसका होता है। और दूसरा ट्रांजैक्शंस ऑफ असेट्स रिकंस्ट्रक्शन, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास में जब असेट्स को क्या करते हैं हम, ट्रांसफर करते हैं, तो वो यहां पर इसके द्वारा किया जाएगा, इस रजिस्ट्री के अंतर्गत। और ऐसे ही जब हम क्या करेंगे, सिक्योरिटाइजेशन करेंगे किसी भी सिक्योरिटी का, वो भी लेन देन इसके अंतर्गत होंगे। भारत सरकार की एजेंसी, भारत सरकार की कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, सरसई का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे आते हैं, अब बात करते हैं ARC असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC क्या होता है, नाम से ही देखिए असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करना है। ये है ग्राहक, बहुत बदमाश ग्राहक है ये, पैसा नहीं दे रहा बैंक का, बार बार ही आ जाता है, और ये बैंक से लोन लेकर के बैठा हुआ है, बोरोवर है ये। ये हमारा बैंक है, ठीक, इस बैंक ने इसको लोन दे रखा है, इस ग्राहक ने बैंक को सिक्योरिटी दे रखी है। अब हुआ ये कि इस बोरोवर ने लोन नहीं चुकाया, तो लोन क्या हुआ, लोन रिकवर नहीं कर पाया तो बन गया NPA। अब NPA बन गया तो NPA की रिकवरी करना, तो इसने एज अ सिक्योरिटी एक बिल्डिंग अपनी जो थी वो बैंक को एज अ प्लेज रखवा दी थी। क्या करवा दिया था, प्लेज बोलते हैं इस टाइप की सिक्योरिटी को, है ना, सिक्योरिटी क्या कर दी थी, बिल्डिंग को एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे दिया था। अब हुआ है कि जब ये लोन की रिकवरी नहीं हो पाई और NPA बन गया, तो बैंक ने क्या किया, इस बिल्डिंग का पोजीशन, बिल्डिंग का पोजीशन किसने ले लिया, बैंक ने लिया। अब बैंक इस बिल्डिंग का क्या करेगा, अचार डालेगा, बैंक के पास ऐसी 50 बिल्डिंग पड़ी हुई है, क्या करेगा बैंक, उसमें रहने लगे, ब्रांचेस चलाने लगे, या फिर अचार डाल ले उनका, तो बैंक के पास इतनी बिल्डिंग है उसका करना क्या है बैंक को, ये सोचो, बैंक को तो बिल्डिंग बेच के पैसा चाहिए, नीलामी करने जा रहे हैं, नीलामी हो नहीं पा रही है, तो क्या किया जाए। तब भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अपन क्या बनाएंगे, ARC, और इसके बारे में डिटेल आपको मिलती है कहां से, सरफेसी एक्ट 2002 में एक प्रोविजन दिया गया है कि भारत सरकार चाहे तो यहाँ पर असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को क्या कर सकती है, बना सकती है, स्थापित कर सकती है, और उनके माध्यम से बैंकों के पास जो NPA हो गया उसके अगेंस्ट जितनी भी सिक्योरिटी एज अ बिल्डिंग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इमूवेबल असेट्स के रूप में पड़ी है, उन्हें ये खरीदने का काम करेंगे। तो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकों से वो इमूवेबल असेट जो होते हैं उसे क्या करता है, खरीद लेता है, और इसे खरीद करके बैंकों को दे देता है पैसा। अब ये बिल्डिंग आ गई इसके पास, बैंक को दे दिया पैसा, बैंक का काम खत्म। अब ARC क्या करता है, इन्हें क्वालिफाइड बायर्स जो होते हैं उन्हें बेच देता है, तो वो उन्हें खरीद लेते हैं किस रूप में, सिक्योरिटी के फॉर्म में। अब चाहे एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसको क्या करे, रिकंस्ट्रक्ट करे या उसे यहां पर रिनोवेट करे, बेच दे, किराए से दे, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं, बैंक का पैसा वहां पर मिल जाता है। अब ये जो कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे हम ARC बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स और बैंकों के कैपिटल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। इनका जो बिजनेस होता है, ये रजिस्टर्ड होंगी RBI के पास में। इनका बिजनेस क्या होता है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटाइजेशन दोनों को बढ़ावा देना है। Clean up the balance sheet of the bank when the latter shall
लेटर सेल्स दीज टू द एआरसी। फिर क्या होता है, जब ये एआरसी इसको बेच देता है और बैंक को पैसा मिल जाता है, तो बैंक की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पर क्लीन उसको कर दिया जाता है, उसमें सफाई दिखा दी जाती है। कैसे, कि बैंक के पास अब एनपीए बचा ही नहीं है या बहुत कम हो गया है। अब काम कैसे करता है जरा देखो, बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये बैड डेब्ट्स हैं, एनपीए तक जाते हैं, किसके पास जाते हैं, ये एआरसी के पास में एनपीए जो होते हैं। और ये क्वालिफाइड बायर्स या तो इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट के रूप में खरीदते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से फाइनेंशियल असेट्स को ये खरीद लेते हैं। तो ये होता है हमारा डेटर बोरोअर ऑब्लिगेटर की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से यहाँ पर बैंक का पास जो असेट्स होते हैं उनको किस तरीके से एआरसी को बेचा जाता है। आगे आते हैं, देखते हैं एआरसी के आगे अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी रिसिप्ट को बेच करके, अभी बात की थी सिक्योरिटी रिसिप्ट की, सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होता है, एक रिसिप्ट बना देता है जिसको नाम दे देता है वो सिक्योरिटी रिसिप्ट, कुछ अमाउंट की होती है, कुछ रुपए की, और उन सिक्योरिटी रिसिप्ट को बेच करके क्वालिफाइड बैंकर्स को वो फंड इकट्ठा कर लेता है। आरबीआई इसे रेगुलेट करेगा। भारत की पहली असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसका नाम है ARCIL, ठीक है, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी, जो बैंकों को कंसंट्रेट और नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज को करने में हेल्प करती है। आगे आते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोअर बाय चेंज इन और टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोअर, बोरोअर के बिजनेस को टेक ओवर कर लेना, उसकी बिल्डिंग को खरीद लेना या जो भी उसके पास में असेट्स हैं उसको टेक ओवर करना, उसको जो भी उसने टेक ओवर किया है, सीज किया, उसको सेल करना या लीज पर दे करके पैसा वसूलना, रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट डेब्ट पेएबल बाय द बोरोअर, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि उसको रीशेड्यूल कर देना कि जो पेमेंट है डेब्ट वो चुका नहीं पा रहा था जो लोन, उसे और अलग अलग किस्तों में, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग समय में उससे हम क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनी प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इनटू शेयर्स ऑफ अ बोरोअर कंपनी, या फिर आप किसी भी डेब्ट को, जैसे मान लीजिए कंपनी ए है, इस कंपनी ए ने लोन नहीं चुकाया, तो अपन एक काम करो, इस कंपनी ए के शेयर अपने नाम करा लो, कुछ अपने मतलब बैंक के या एआरसी के नाम करा लो, तो उससे भी आपकी इनकम होती रहेगी। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, बार बार ये सिक्योरिटाइजेशन टर्म आया था, यहाँ पर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इशूइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज बैक्ड बाय अ पूल ऑफ एग्जिस्टिंग असेट सच एज होम लोन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, किसके बदले में, जो हमारे पास असेट्स है उसके बदले में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सिक्योरिटाइजेशन। अब फंड्स टू एआरसी, एआरसी के पास फंड्स कहाँ से आएंगे, तो भैया एआरसी के पास जो फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो क्वालिफाइड बैंक जो इंस्टीट्यूट क्वालिफाइड बायर्स होते हैं उनसे इकट्ठा कर लेती हैं। एआरसी इश्यूज डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स फॉर मीटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ये डिबेंचर और बॉन्ड्स भी जारी कर सकते हैं ना, जरूरत पड़ने पर धनराशि जुटाने के लिए क्या करेंगे, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी मार्केट में जारी कर देंगे। सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होती है, इसका टर्म आया था सिक्योरिटी रिसिप्ट, अभी बोला कि ये क्या करते हैं, क्वालिफाइड बायर्स को देते हैं, तो ये क्या होता है, इसको अगर अपन बोलें तो सिक्योरिटी रिसिप्ट इशूड बाय एआरसी आर बैक्ड बाय इम्पेयर्ड असेट्स, उनके पास जो असेट्स होते हैं उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, वो जारी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक फोन है जिसकी कीमत है 40,000 रुपए, ठीक है, मतलब अगर ऐसे देखा जाए कि मैं जरूरत पड़ने पर 40,000 रुपए अरेंज करना है तो मैं इसे बेच करके ले सकता हूँ। अभी इस पर डेप्रिशिएशन मत लगाने लग जाना आप कि सर आपका फोन कितना पुराना है, कितना नया है, अब 40,000 वैल्यू बचेगी नहीं, आप तो ये मान के चलना कि प्रेजेंट वैल्यू उसकी 40,000। इसके अगेंस्ट मैंने एक पेपर तैयार किया और बोल दिया कि मेरे जो 40,000 रुपए हैं ये मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट के साथ में, अभी मुझे आप 40,000 रुपए दे दीजिए। मैंने अभी किसी को फोन नहीं दिया है, बदले में सिर्फ पैसा लिया है और इसका जो पोजीशन है वो दिया जाएगा किसी को, ऐसा बोल दिया। इस 40,000 को मैंने उठाया, मार्केट में इन्वेस्ट किया और मैंने इसके 50,000 रुपए बना लिए, कितना कर लिए, 50,000। अब जिससे मैंने 40,000 रुपए लिए थे उसको 40,000 प्लस कुछ इंटरेस्ट दे दिया और बाकी कुछ इंटरेस्ट जो बचा वो मैंने अपने पास रख लिया। अब आप देखिए मेरे पास जो फोन था ये मैंने किसी को दिया नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक सिक्योरिटी जारी कर दी थी जिसके अगेंस्ट मैंने मार्केट से 40,000 रुपए उठा लिया था।
बस इसी तरीके का काम सिक्योरिटी रिसीप्ट्स का होता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं डीआरटी और डीआरएटी की। डीआरटी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आरबीडी की मैं बात करूं तो रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 की बात होती है। डीआरटी इज अ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डीआरएटी इज अ डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। चलिए अब देखते हैं ये होता क्या है। ये असली में एक्चुअल कोर्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? एक्चुअल कोर्ट्स होते हैं जहां पर हाई कोर्ट जज के समकक्ष जज बैठते हैं। ठीक है, डीआरटी की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जैसे डीआरटी पहले केस जाता है या डीआरटी में एक्चुअल में कोर्ट्स होते हैं और लोन की रिकवरी की वहां पर प्रोसेस को क्या करवाते हैं, करवाने का काम करते हैं कि कैसे भी एनपीए की रिकवरी की जा सके। जैसे आपको पता होगा विजय माल्या केस भी डीआरटी में जा चुका है, तो वहां पर वो जज बैठ जाते हैं। यहाँ बैंक का एम्प्लॉय जो भी बैंक की तरफ से होगा और यहाँ पर होता है वो व्यक्ति जिसने लोन लिया है, दोनों की बातों को सुनने के बाद, दोनों के पक्षों को सुनने के बाद ये जज निर्णय लेते हैं। और निर्णय इस तरीके से लिया जाता है कि भाई सीधी सी बात है, बैंक से लोन लिया गया तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर बोरोअर को लोन चुकाने के लिए कंडीशंस बता दी जाती है कि इतना पैसा इतने दिन में आपको देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जेल जाने की प्रोसेस भी आपकी हो सकती है। तो ये सारी चीजें कहाँ हो पाती है? डीआरटी। अब क्या हुआ, डीआरटी तो बना दिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति डीआरटी के डिसीजन से क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या करेगा? यदि कोई व्यक्ति या कोई भी पार्टी, या पार्टी में दोनों हो सकती हैं, व्यक्ति या पार्टी डीआरटी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहां जाएगा? तो वो जाएगा डीआरएटी के पास। डीआरएटी इज अ डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वहां जाके वो अपील करेगा कि भैया देखो इन्होंने ये डिसीजन सुनाया, मैं इस डिसीजन को नहीं मानना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपील कर पाऊं, क्योंकि इंडिया में आपके पास राइट टू जस्टिस है ना, तो आप वहां न्याय पाने का आपके पास अधिकार है। तो भाई आप चोर हो, आप डाकू हो, आप कुछ भी हो, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक है तो आपको न्याय पाने का पूरा पूरा अधिकार है। आप चाहो तो वहां कोर्ट में जाकर के जो भी डिसीजन हुआ उससे बाद उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो अपर कोर्ट में। तो आप कहां से स्टार्ट कर लो, सेशन कोर्ट, सेशन से आप चले जाओ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी यदि आपको कोई सजा सुना दी गई है, अगर मान लीजिए मृत्युदंड ही क्यों ना दे दिया गया हो, तो आप जाकर के क्षमा याचिका लगा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास। तो देखो कितना यहाँ पर मौका मिलता है। तो इतनी सारी चीजें जब आपको मिल रही हैं, तो एक व्यक्ति जिसने लोन नहीं चुकाया है उस व्यक्ति को भी तो कम से कम अपील करने का मौका मिलना चाहिए, और वो कहाँ मिलता है? डीआरएटी के पास में। हाँ, अगर डीआरएटी ने डिसीजन सुना दिया तो फिर आप अपील करने कहीं मत जाना, क्योंकि उसके बाद अपील आपकी सुनवाई आपकी अपील पर नहीं होगी। क्लियर है? तो भारत में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी डीआरटी है और कितनी डीआरएटी। तो भारत में 39 डीआरटी है और 5 डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल्स हैं। यहाँ पर जो एक्ट है कंसोर्टियम बैंक के, कम से कम 20 लाख या उससे ज्यादा का मामला होगा, मतलब एनपीए अमाउंट ₹20 लाख और मोर देन 20 लाख होगा ना, तभी ये मामला कहाँ पहुंचेगा, ₹20 लाख से ज्यादा होगा या इतना होगा, तभी ये मामला डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास आप पहुंचा पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बैड बैंक की। देखो बैड बैंक के साथ में फोटो लगी है निर्मला सीतारमण जी की। अब मैडम क्या बोल रही हैं ये देखते हैं यहाँ पर क्या बात है। बैड बैंक क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट वर्ष 2021 में लाया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा। अ बैड बैंक इज कॉर्पोरेट एंटिटी दैट एलिनेट्स इलिक्विड एंड रिस्की एसेट्स हेल्ड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ ग्रुप ऑफ बैंक। It is created to help bank clean their balance sheets by transferring their bad loans so that the banks can focus on their core banking
कोर बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी क्या है? बैड बैंक एक संस्था बना दी जाएगी। कैसी संस्था बना दी जाएगी कि देखो मान लो ये एक बैंक है, ठीक है, और ये बहुत सारे बैंक हो गए। एक एस लगाने से एक बैंक से कितने हो गए? अनेकों बैंक बन गए। अब ये जो बैंक्स हैं ये क्या करेंगे, इनका एनपीए बढ़ा हुआ है, इनका एनपीए बढ़ रखा है, तो क्या किया जाएगा, इस एनपीए अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक बैंक में जिसका नाम है बैड बैंक। बैड बैंक अपने सो बैड बॉय, बताओ बैड बॉय, बैड ये बैड वो, गंदा बैंक, गंदा है बैंक। नहीं भाई, बैड बैंक का मतलब है कि जो बैड असेट्स बैंक के पास हैं, बैड लोन्स हैं, उनको सेटल करने के लिए एक बैंक बनाया है। इसे अपन बोल सकते हैं बैंकों की गंगा। यहाँ पर बैंकों के जो पाप हैं वो धोए जाएंगे। बैंकों के पाप धोने के लिए क्या बना दिया, बैड बैंक। आपने जितने पाप कर रखे हैं ना, बैंकों ने जितना एनपीए बढ़ा रखा है उसको उसको क्या करने के लिए, उनके उस पाप को धोने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दिया। तो ये क्या करेंगे, जो एनपीए टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने 30,600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित भी कर दी है, और इस बैड बैंक का नाम होगा NARCL। क्या नाम होगा? NARCL। NARCL क्या है, ये नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाएगा। अब इसे और आसान भाषा में समझा देता हूँ मैं, एक बार और सुन लीजिए। एक ऐसी संस्था बनाई जाएगी जो मार्केट में, इसके लिए इन्होंने क्या करा, ये गारंटी सिक्योरिटी अमाउंट कर दिया ना, गारंटी सिक्योरिटी अमाउंट है 30,600 करोड़ का, 30,500 करोड़ बहुत अमाउंट होता है बैड बैंक के लिए। तो यहाँ पर क्या किया है, ये बैड बैंक जैसी एक संस्था बना दी जाएगी। अब एक्स वाई जेड किसी बैंक के पास में मान लो 10,000 करोड़ का एनपीए है, मतलब उतना रिकवर नहीं हो पाया, तो ये बैड बैंक क्या करेगा, 10,000 करोड़ रुपए दे देगा किसको, उस बैंक को, और उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो सिक्योरिटीज होंगी, वो पूरी की पूरी अपनी तरफ ले लेगा कि लाइए इसका पोजीशन मुझे दीजिए, मैं सेटल करवाऊंगा। अब बैड बैंक क्या करेगा, बैड बैंक वहां पर सिक्योरिटी रिसिप्ट को जारी करके फंड अरेंज करेगा, और जिन व्यक्तियों ने लोन नहीं दिया उनकी सिक्योरिटीज को यहाँ पर अपने पास कब्जा लेकर के फिर उसे बेचना, लीज पर देना, जैसे एआरसी काम करते हैं वैसे काम करेगा। तो भैया इसका नाम ही नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये बैड बैंक का कॉन्सेप्ट 2021 में लॉन्च किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। जैसे इसमें 2,00,000 करोड़ का ऑलरेडी 2,00,000 करोड़ रुपए का अमाउंट बैड बैंक में ट्रांसफर किया जा चुका है। भारत का पहला बैड बैंक है NARCL। समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आईबीसी क्या है। आईबीसी को हम जानते हैं इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के नाम से। इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी, बैंकरप्सी मतलब बैंक, इनसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया, बैंकरप्सी मतलब क्या होता है, बैंकों को बोल सकते हैं कि इसको बोला जाएगा दिवालिया, बैंक का लोन नहीं चुका पाने को हम बैंकरप्सी बोल देते हैं। कोई बैंक व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाता है जब बैंक का लोन ना चुका पाए, और दिवालिया जब उसके पास कोई असेट्स ना रह जाए। भारत में इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड वर्ष 2016 में लागू किया गया। इसके लिए 2015 में जो एफर्ट्स लगाए थे वो लगाए थे अरुण जेटली, जो कि उस टाइम पर भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। इस एक्ट के माध्यम से पार्लियामेंट में से पास किया गया और ये मई 2016 में लागू हो गया। इस कोड को लागू करने के बाद कई बैंकों, कई कंपनीज के जो लोन अमाउंट था उसे क्या किया गया, रिकवर किया गया। देखो बैंकों से 27,000 करोड़ रुपए रिकवर किया वित्त वर्ष 2020 में, और 2019 में कितना, 1,00,000 करोड़ रुपए यहां पर क्या किया था, वसूल किया था। और लेंडर्स ने फाइल किए केस, 537 केस फाइल हुए वर्ष 2021 में कॉरपोरेट्स के खिलाफ, और वर्ष 2019 में हुए 1986। देखो सीधी सीधी सी बात है, यहाँ 1900 हुए तो वो डर गए कि अब केस भी रजिस्टर्ड होने लगे, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो, तो अगले साल देखो कम केस रजिस्टर्ड हुए। ऐसे ही बहुत सारा लोन जो था एनपीए रिकवर करने की बात की, तो 1,00,000 करोड़ को रिकवर कर लिया गया आईबीसी के थ्रू, अगले बार 27,000 करोड़। इसका मतलब ये नहीं हो कि सरकार ने कम किया, अगली बार लोग डर करके पहले ही लोन चुकाने लग गए थे। तो ये बात हुई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड की, एक ये तरीका है एनपीए को रिकवर करने का। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। इसके बाद एक और चीज है एनसीएलटी, जिसे अपन नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एनसीएलटी भी कंपनीज के जो लोन होते हैं, डेब्ट्स होते हैं,
उनको रिकवर करने के लिए मीडिएटर की तरह कार्य करता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आप सभी का सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।